गाजा संहार के बाद इजराइल ने राफा में जंग का नया मोर्चा खोल दिया है और पिछले कुछ घंटों से राफा में आसमान और जमीन दोनों ही जगह से विनाशकारी हमले हो रहे हैं। राफा का चप्पा चप्पा इजरायली टैंक की बमबारी से दहल रहा है। आसमानी हमलों से हमास के ठिकाने जमींदोज हो रहे हैं। राफा में इजरायली हमले के बाद 15 लाख लोगों की जिंदगी पर संकट आ गया है। ईरान समेत सभी मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। ईरान की इजरायल के हर एक्शन पर नजर है तो अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिकी अधिकारियों के इजरायल और इजिप्ट के दौरे हो रहे हैं और अब TV9 भारतवर्ष लगातार आपको जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर दिखाएगा, जहां राफा में इजरायली हमले जारी है और बड़ी खबर यह कि हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी हो रही है। IDF ने राफा में कई रॉकेट दागे हैं। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की यह तस्वीर देखिए, जहां IDF लगातार राफा में ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है और किस तरीके से रॉकेट दागे गए ये देखिए तस्वीर। राफा में इजराइल के बहुत बड़े हमले को लेकर एक और खबर, जहां एक साथ कई इलाकों में बमबारी हुई। हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमलों को अंजाम दिया गया। इजरायली सेना की बमबारी में राफा में واشتعال النيران في المكان بشكل ضخم وكثيف جدا هذا للعلم اور رافہ پر IDF کے حملے کا ایک اور ویڈیو جہاں اسرائیلی سینہ نے رافہ پر ہوائی حملے کو انجام دیا ہے اسرائیلی حملے میں رافہ میں بھیشن تباہی और राफा में ही इजरायली सेना की एंट्री का वीडियो आया सामने, जहां राफा क्रॉसिंग पर IDF का कब्जा और IDF के टैंक और सैन्य वाहनों की तैनाती की यह तस्वीर देखिए। और राफा में हमले का विध्वंसक वीडियो देखिए, फाइटर जेट से IDF की बमबारी की तस्वीर, जहां धमाका देखकर लोग भी जान बचाकर भागते नजर आए। पहले गाजा, अब राफा। हमास के संपूर्ण विनाश के लिए इजराइल का ऑपरेशन जारी है और रात से अभी तक राफा में IDF की बारूदी वर्षा हो रही है। राफा में कहां कहां हो रही है बमबारी और IDF ने किन किन इलाकों पर कब्जा कर लिया है इस रिपोर्ट में देखिए। सात अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब हमास ने इजराइल पर हमले की हिमाकत की थी। जवाब में नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का प्रण लिया। फिर शुरू हुआ गाजा में विनाश। गाजा के संपूर्ण विनाश के बाद राफा इजराइल के निशाने पर है। राफा पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरस रही है, रॉकेट हमले हो रहे हैं, टैंकों के गोले हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रहे हैं। विध्वंस का यह सबसे ताजा वीडियो देखिए। ये जगह इजराइल और मिस्र बॉर्डर पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है। इजराइल ने यहां पर भी हवाई हमला किया। जोरदार धमाके के बाद यहां के लोग दहशत में आ गए। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर 1979 में इजराइल और गाजा के बीच शांति समझौते के दौरान बनाया गया था। गाजा में युद्ध के दौरान कुछ लोगों को इसी बफर जोन में शिफ्ट किया गया था। राफा में चारों तरफ इजरायली सेना का मूवमेंट है। मिस्र को जोड़ने वाली क्रॉसिंग पर भी IDF का कब्जा हो चुका है। इस इलाके में सेना और टैंकों की तैनाती है। राफा में इजरायली हमले में हमास के करीब 100 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। IDF ने हमास के 20 लड़ाकों को ढेर कर दिया है। हमास की 3 टनल तबाह हो चुकी है। राफा में हर चेक पॉइंट पर टैंकों की तैनाती हो चुकी है।
राफा में हर तरफ धमाकों की आवाज गूंज रही है। कहीं आसमान से बम गिर रहे हैं तो कहीं टैंक से गोले बरस रहे हैं, कहीं रॉकेट विस्फोट से तबाही मची है। विध्वंस का ये एक और वीडियो देखिए। आसमान से गिरे बम के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठ रहा है। बमबारी से इमारत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। कुछ लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए तेजी से राहत बचाव का काम चला। महाविनाश की ये तस्वीर देखिए। ये राफा की रिहायशी बस्ती है। कुछ लोग सड़क पर घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तभी सामने से रॉकेट हमला हो जाता है। जोरदार धमाके के साथ चीख पुकार मच जाती है। दावा किया जा रहा है कि गाजा संहार के बाद हमास के कुछ लड़ाके यहीं आकर छिपे हैं, जिनके खात्मे के लिए इसराइल ने अचानक यहां बड़ा ऑपरेशन चलाया। इसराइल का दावा है कि हमास चीफ याहिया सिनवार भी राफा की किसी सुरंग में छिपा हो सकता है, जहां उसने कुछ बंधकों को भी रखा हुआ है। सिनवार इजरायली हमला रोकने के लिए बंधकों को ढाल बना सकता है। 7 अक्टूबर के असली गुनहगार सिनवार को नेतन्याहू किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अगले 24 घंटे में राफा में और तबाही का प्लान है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही हैं, जिनमें इजरायल के कुछ और टैंक राफा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हमास के लड़ाकों को ढूंढने के लिए आईडीएफ की छापेमारी चल रही है। इजरायली सेना के बंदूकधारी राफा के हर घर की तलाशी ले रहे हैं। आपको बता दें कि राफा गाजा पट्टी का एक प्रांत है। इजराइल इजिप्ट बॉर्डर पर राफा 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का इलाका है। यहां करीब 15 लाख लोग फंसे हैं। हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। राफा में जहां पर इजराइल ने हमला किया, वो इलाका इजराइल पहले से ही खाली करा रहा था। अक्टूबर में TV9 भारतवर्ष भी राफा में ही था और राफा के चप्पे चप्पे को अपने कैमरे में कैद किया था। इस समय मौजूद हूँ इसराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर। अगर आप देखें, ये बॉर्डर के पास के वो इलाके हैं जो पूरी तरीके से खाली करा दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट और इसराइल के बॉर्डर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इसराइल ने सारे बॉर्डर एरिया खाली करा दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी, यानी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, बाकी सारे इलाके इस समय खाली करा दिए गए हैं। और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के यहाँ ताज़ा हालात कैसे हैं। देखिए, इसराइल और गाजा पट्टी पर ही जंग नहीं हो रही, लगातार जिस तरीके से माहौल बदल रहा है इसको लेकर इसराइल बहुत ज़्यादा सतर्क है, ना सिर्फ लेबनन बॉर्डर पर सीरिया के साथ बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर के आसपास भी। यहाँ शांति है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस जगह कभी भी हालात बदल सकते हैं। और TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों में लेकर आया है ये दिखाने के लिए कि अभी इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए, ये जो इलाका है, ये राफा यानी आप कह सकते हैं कि इसको पूरा इलाका, देखिए अगर आपको आखिरी झंडा आपको नज़र आ रहा हो, इसके इलाके सारा जो है इजिप्ट का एरिया है। और यहीं से लगातार जो सामान है जिसकी बात इसराइल का इजिप्ट कर रहा है वो जा रही है। और अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हो, ये आखिरी चेक पोस्ट है जो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, वो इसराइल की चेक पोस्ट है, आखिरी चेक पोस्ट। और उसके इलाके का सारा इलाका जो है फिर आपको सिर्फ इजिप्ट का इलाका नजर आ जाएगा। TV9 भारतवर्ष आपको ये सारे इलाके इसलिए दिखा रहा है ताकि आप ये समझ सके कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको निशान दूसरी तरफ दिखाइए और ये देखिए, ये इजिप्ट का इलाका है। और इस तरफ जहाँ ये आखिरी पोस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल की पोस्ट है। और ये इलाके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ सकें ताकि इस समय की जियो लोकेशन कैसी है, कौन कौन से इलाके हैं। और TV9 भारतवर्ष आपको ये सारे इलाके इसी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है।
जिस वक्त राफा में इजरायली बम गूंज रहे थे, ठीक उसी वक्त हमास की तरफ से भी रॉकेट दागे गए। हमास ने राफा के करीम शालोम और राइम से 18 रॉकेट दागे। राफा में बारूद विनाश की भनक शायद अमेरिका को पहले से ही थी। फिर हमले के बाद अमेरिका ने इसराइल को मिलने वाली हथियारों की खेप पर ब्रेक लगा दिया। आपको बता दें कि अमेरिका 900 किलो के 1800 बम और 225 किलो के 1700 बम इसराइल भेजने वाला था। राफा में बरस रहे बारूद पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्वी ने कहा है कि उनको ऑपरेशन की जानकारी थी और ये ऑपरेशन सीमित समय के लिए था। जिस वक्त किर्वी राफा ऑपरेशन की जानकारी दुनिया को दे रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ इजिप्ट पहुंच चुके थे, जहां वो इसराइल के लिए मिस्र का मन टटोल रहे थे। अमेरिका ये पता लगाने की कोशिश में था कि कहीं इजिप्ट इसराइल के खिलाफ बदले का प्लान तो तैयार नहीं कर रहा है। राफा में हालात तेजी से बदल रहे हैं। बारूदी विस्फोट के बीच वहां जो कुछ भी हो रहा है उस पर ईरान समेत सभी मुस्लिम देशों की नजर है। इस बीच हमास की तरफ से भी इसराइल को धमकी आ चुकी है। हमास नेता ओसामा हमदान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राफा में जो कुछ भी हो रहा है वो युद्ध को और भड़काएगा, इसराइल को करारा जवाब दिया जाएगा। राफा में हमले जारी रहे तो संघर्ष विराम नहीं होगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि राफा में इसराइल का ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन हालात देखकर लग रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इसराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता। सिनवार के खात्मे का जो प्रण नेतन्याहू ने लिया है, उसे पूरा करने के लिए IDF राफा को भी मिट्टी में मिलाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 7 महीने से सुलग रहा गाजा अब विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है और गाजा में महाविनाश के बाद इजरायल ने राफा में बारूदी वर्षा कर दी है। हमास की संपूर्ण सफाई के मकसद से नेतन्याहू ने आसमान और जमीन दोनों जगह से राफा में ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं और राफा पर अभी अभी बड़ा अटैक। बड़ी खबर बता दें, जहां शहर में हर तरफ धमाके सुनाई दे रहे हैं। मिसाइल अटैक के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया है। तस्वीरें देखिए। और बमबारी के बीच राफा में भगदड़ को लेकर भी खबर आ रही है, जहां जान बचाकर भागते नजर आए लोग और महिलाओं और बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई। ये देखिए। और अब इजरायली बुलडोजर पर हमले की तस्वीर देखिए। राफा पर एक्शन के दौरान अटैक की ये तस्वीर सामने आई। धमाके के साथ इजरायली बुलडोजर उड़ गया। तो IDF का आखिरी टारगेट राफा। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि 15 लाख जिंदगियां फंसी हुई हैं। और ये इंफॉर्मेशन देखिए, मैप के आधार पर आपको पूरे राफा और उसकी लोकेशंस के बारे में दे रहे हैं जानकारी, जहां देखिए किस तरीके से अब 15 लाख लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। उत्तरी गाजा पट्टी के 5 प्रांत में से एक और खान यूनिस, और साथ ही ये रहा राफा। ये वो लोकेशन है, इसके नीचे आता है मिस्र। और यहां पर राफा में जिस तरीके से इसराइल फिलहाल हमलों को अंजाम दे रहा है, अभी फिलहाल 15 लाख लोगों की जिंदगियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहां महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और सिविलियंस, ज्यादातर सिविलियंस इसकी चपेट में आ रहे हैं। जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं वो पूरी गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी के 5 प्रांत में से एक, और 64 वर्ग किलोमीटर का ये जो पूरा क्षेत्रफल है, इस संकट में फिलहाल 15 लाख लोगों की जिंदगी राफा में फंसी हुई है। और राफा में जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबरें मिल रही हैं, क्योंकि जिस वक्त गाजा में इजरायल के हमले हुए, ठीक उसी वक्त आपको बता दें TV9 भारतवर्ष की टीम भी राफा में मौजूद थी। संवाददाता सुमित चौधरी ने राफा बॉर्डर को अपने कैमरे में कैद किया है। आपको सुमित की उस वक्त की वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे और साथ ही आज के हालात का अंदाजा लगाइए, जहां एक बार फिर से राफा निशाने पर है और
राफा में अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। इस समय जहां मैं मौजूद हूं यह है इसराइल और इजिप्ट की सीमाएं। जी हां, 245 किलोमीटर का इजिप्ट का और इसराइल की सीमाएं लगती हैं। अगर आप फेंसिंग की उस तरफ देख रहे हैं, ये सारा इजिप्ट का एरिया है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो इजिप्ट की है, यानी बिल्कुल सामने, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर खड़े हैं। 245 किलोमीटर की ये सीमा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। हालांकि 1979 के अंदर दोनों के बीच में बाउंड्री तय हो गई थी, 1906 के ग्रीन लाइन एग्रीमेंट आप कह सकते हैं उसके बेसिस पर, लेकिन 2013 तक कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश होती थी और इसी के लिए इसराइल ने ये सीमाएँ तय की और 2013 में ही ये परमानेंट फेंसिंग लगा दी। एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, नत्साने सिनाए हालांकि इसको कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। हालांकि यहाँ पर अभी शांति है इसराइल के बीच में और इजिप्ट के बीच में, ऐसा कभी हालांकि हाल फिलहाल में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि इसराइल ने अपने सभी बॉर्डर्स को सील कर रखा है बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत कड़े से इसको चेक किया जाता है, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता कि दुश्मन कहां से घुस जाए। और इस समय TV9 भारतवर्ष आपको इन्हीं जगहों से ये रिपोर्ट दिखा रहा है। और लेबनान में IDF के हवाई हमले को लेकर भी खबर आ रही है, जहां इजरायली विमानों ने अब बॉम्ब गिराए हैं और हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी की है। और वेस्ट बैंक में IDF के ऑपरेशन से तबाही की तस्वीर, जहां IDF की स्ट्राइक में कार जल गई। हमले से तुलकर्म इलाके में तबाही की तस्वीरें आई, बमबारी में ज्यादातर लोग घायल हो गए। और अब लेबनन में IDF की स्ट्राइक की तस्वीरें होंगी आपके सामने, जहां हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमलों को कैसे अंजाम दिया गया, देखिए। बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनन में IDF अब स्ट्राइक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां IDF ने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और हिजबुल्ला के ठिकाने टारगेट पर थे। हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले की ये तस्वीर, हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल थर्रा गया है और इजरायली सैन्य बेस पर नॉनस्टॉप हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 65 रॉकेट से हिजबुल्ला का भीषण प्रहार, IDF बेस तबाह करने का हिजबुल्ला का दावा। हिजबुल्ला के हमले से दहले इसराइल को लेकर एक और खबर, जहां किरियत शमोना में हिजबुल्ला का रॉकेट अटैक हुआ है और गैलीली में हिजबुल्ला ने 30 मिसाइलें दागी हैं। अब हिजबुल्ला ने इजरायली हमले का बदला लिया है। हिजबुल्ला का दावा यह कि हमले में इजरायली सेना के पोस्ट को तबाह कर दिया गया। और IDF के ऑपरेशन राफा पर एक और बड़ी खबर यह है कि IDF का एंट्री के लिए 2 दिन का प्लान था, लेकिन 8 घंटे में ही IDF ने टारगेट को पूरा कर लिया है। अगले कुछ दिन और आगे बढ़ेगी IDF। टैंकों की ये मूवमेंट्स राफा में IDF की मौजूदगी का सबूत, टैंकों की ये मूवमेंट ऐसे इलाकों में जिसको देखते हुए इसराइल दावे ये कर रहा है कि ये इलाके अब उसके नियंत्रण में है। वहीं इसराइल की राफा योजना पर एक और बड़ी खबर यह है कि लोगों को अल मवासी में शिफ्ट करने की योजना बन रही है और करीब 15 लाख लोगों को शिफ्ट करने की योजना है। तो लगातार राफा में ऑपरेशंस को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, 15 लाख लोगों के ऊपर मंडरा रहे संकट के बीच ये खबर आई है कि इन लोगों को अब शिफ्ट किया जाएगा अल मवासी में। हालांकि जिस तरीके से अभी राफा में ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, हर तरफ हमले के बाद क्षतिग्रस्त इमारतें और खंडर में तब्दील होते इलाके की ये तस्वीर।